नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। इस समय रीवा जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर फेल होने की खबरें आ रही हैं। इसी तरह कटरा डीसी अंतर्गत ग्राम सोहरवा का 20 दिन पूर्व ट्रांसफार्मर फेल हो गया है, जिसकी वहां के ग्रामीणों द्वारा लगातार बदलवाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर कुछ ग्रामीणों द्वारा वीडियो के माध्यम से आरोप लगाया था कि बिजली विभाग के जेई एई सहित डिविजनल इंजीनियर के नाम पर रुपए की मांग की जा रही थी। साथ ही यह खबर पिछले दिनों प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित हुई थी, जिसको लेकर जूनियर इंजीनियर संजय गुप्ता, जो वर्तमान में लालगांव डीसी में तैनात हैं, साथ ही प्रभार में कटरा डीसी का भी कार्य देख रहे हैं, इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातें रखी, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम सोहरवा में जो ट्रांसफार्मर फेल हो गया है उसके अंतर्गत 19 कनेक्शनधारी हैं, जबकि 18 कनेक्शनधारियों का पिछले एक साल से लेकर 3 साल तक का बिजली का बिल बकाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के गाइडलाइन के अनुसार कुल बिजली बिल का 10% भी यदि बिल जमा कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाता है, लेकिन अभी तक कनेक्शनधारियों द्वारा बिल नहीं जमा किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा समस्त जानकारी सहित ट्रांसफार्मर लगवाने को लेकर संबंधित डॉक्यूमेंट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। साथ ही अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को बेबुनियाद बताया है, जिसका सच्चाई से कहीं दूर तक नाता नहीं है। आइए सुनते हैं बिजली विभाग के अधिकारी ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ये मामला है कटरा वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम सोहरवा का है, जहां का ट्रांसफार्मर आज विगत 10 दिनों से जला हुआ है, जिसमें पाया गया कि 19 उपभोक्ता हैं, जिसमें 18 लोगों पर 48,000 रुपये बकाया है, जो कि वहाँ के उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 3 वर्ष से बिल नहीं जमा किए गए हैं, जिसमें शासन के नियमानुसार नियम है कि ट्रांसफार्मर जलने उपरांत 10% राशि अगर जमा की जाए तो ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। अगर इस मामले में ग्रामीण द्वारा आरोप लगाया गया है तो उसके बारे में अगर कुछ उनके पास प्रूफ है कि हमने या हमारे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने पैसे की मांग की है तो उसका कुछ आधार हो तो हमें बताएं, फिर उस पर जो अधिकारी होगा उच्च अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी या तो हम कार्रवाई करेंगे, परंतु ऐसी शिकायत करना गलत है। इस बारे में जानकारी है आपको कि ऐसी खबरें फील्ड में चल रहे हैं? फील्ड में व्हाट्सएप में ट्विटर में खबर आई है और न्यूज़ में भी निकली है, जो हमें देखने को मिला है। उसकी सच्चाई में कोई सच्चाई है कि नहीं? उसकी सच्चाई में कोई ऐसे मतलब बात नहीं कि पैसे की मांग की गई है, जो नियमतय है नियम के अनुसार अगर कार्रवाई कर दें तो ट्रांसफार्मर लग जाएगा। फिर भी हम अपने एई साहब और डी साहब से बात किया है कि सर ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाए, मैं पैसे वहां से फिर जमा करवाऊंगा। बताया गया कि लग जाएगा, जैसे ही ट्रांसफार्मर मिलेगा 1-2 दिन के अंदर उपलब्ध होता है तो मैं लगवा दिया जाएगा।